किसी भी सफलता को प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको साथ भी मिलेगा समाज का और निश्चित रूप से सफलता भी मिलेगी। मेरी वाइफ का सपोर्ट मुझे काफ़ी बड़ी मात्रा में मिला। तो शादी के बाद जो मेरी पत्नी ने सबसे बड़ा सपोर्ट मुझे किया, मेरे बच्चों को ठीक से संभाल लेना और मेरे कामों में सहयोग करना, मेरा नाम सुधीर कुमार मित्तल है, मैं बाय प्रोफेशन एडवोकेट हूँ। युवा जनरेशन को मेरा केवल यही कहना है कि देशभक्ति, अगर आप देश के नहीं रहोगे तो आपको कोई पूछेगा नहीं। धन कमाओ, लेकिन धन कमाने के साथ साथ अपना परिवार, अपने माँ बाप, अपना देश, ये भी ध्यान में रखो। मेरा जन्म स्थान गाजियाबाद है। 21 सितंबर 1958 को एक मध्यम परिवार में श्री सुबोध कुमार मित्तल और मेरी माताजी श्रीमती कश्मीरी देवी के यहाँ बड़े पुत्र के रूप में मेरा जन्म हुआ था। हम कुल 5 भाई बहन हैं। 2 भाई मेरे और हैं जो मेरे से छोटे हैं, 2 मेरी बहनें वो भी छोटी हैं। मेरे छोटे भाइयों का नाम, एक का सुशील कुमार और एक का मनमोहन मित्तल है, बहन राधा गर्ग और कृष्णा मित्तल है। मेरे पिताजी वहाँ जो नगर पालिका थी उसमें नौकरी करते थे और मध्यम परिवार था हमारा, बिल्कुल मध्यम क्लास परिवार। बॉन्डिंग मेरा सबसे सबके साथ अच्छा रहता था, हर एक से मेरा मिलना जुलना रहता था। बहुत मैंने बतलाया, जैसे कि मध्यम परिवार था इसलिए कोई बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी हमारे पास। हमें स्कूल भी जाना होता था तो उस समय मेरे को याद है कि हम पैदल जाते थे कई कई किलोमीटर, और नहीं तो बस पकड़ के जाते थे, आज भी मुझे याद है। तो बहुत ही हमारा मतलब एक तरीके से बचपन जो है वो बिल्कुल गरीबी में बीता और माहौल भी बहुत अच्छा नहीं था कि भाई पढ़ाई के लिए। मैं शायद अपने गली का दूसरा या तीसरा बच्चा था जिसने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की थी। मेरी माताजी बहुत धार्मिक हैं, बचपन से ही वो पूजा पाठ घर में करती थीं, रहती थीं, तो वो पूजा पाठ का असर मेरे ऊपर भी आया। पिताजी हमारे बहुत दबंग थे, बहुत दबंग थे, मतलब वो कभी ये नहीं लगता था उनको देखकर, जरा भी कोई घटना हो जाए किसी के ऊपर भी तो वो बहुत दबंग थे, तो कुछ दबंगपन उनका मेरे ऊपर भी निश्चित रूप से आया। पिताजी हमारे बहुत मेहनती थे, उन्होंने नौकरी के साथ विभिन्न व्यवसाय भी करने का प्रयास किया, बहुत मेहनती करते थे, मेहनत बहुत थी उनके अंदर, जो हमें भी लगा कि भाई मेहनत करने से ही कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलेगा। और दूसरा, मैंने जैसे अभी आपको बताया पहले भी कि वो बहुत ही दबंग थे, सबके लिए मददगार रहते थे, तो वो भी गुण उनका हमारे काफ़ी आया कि भाई मदद एक दूसरे की किसी ना किसी रूप में करनी चाहिए, ये भी उनसे हमें सीखने का मौका मिला। प्राथमिक शिक्षा मेरी सारी की सारी गाजियाबाद में ही हुई। उस समय आज की तरीके से ये जितने प्राइवेट स्कूल चलते हैं वो नहीं होते थे, सरकारी स्कूल में ही हम पढ़े हैं। और सरकारी स्कूल से पढ़ते पढ़ते ही वहाँ पर ही हमने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट किया शंभुदयाल इंटर कॉलेज से, और फिर वहाँ MMH कॉलेज से हमने BCOM ऑनर्स किया। उसके बाद हम ऐसे एक संगठन से जुड़ गए जिसके माध्यम से फिर हम गए और मथुरा और आगरा से हमने LLB की। मेरे लिए भी बहुत अच्छा था, मैं उस समय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नाम के संगठन से जुड़ गया था, तो वहाँ की वाद विवाद प्रतियोगिता कॉलेजों की होती थी, मैं उनमें भाग लेता था, और भाग ही नहीं लेता था तो उनको जीतने का भी मेरा प्रयास रहता था और जीतता भी था। तो काफ़ी डेवलपमेंट मेरे जो विकास मेरा है वो कॉलेज लाइफ में पढ़ाई के साथ साथ वैसे भी हुआ। दिसंबर 1982 में मेरा विवाह हुआ, सविता मेरी वाइफ का नाम है।
मेरे फादर इन लॉज सूर्यनगर एक कॉलोनी है विवेक विहार के सामने वहाँ रहते थे। मेरे जो फादर इन लॉ ससुर साहब थे वो सेंट्रल गवर्नमेंट में ISI डिपार्टमेंट में नौकरी करते थे और बहुत ही वो भी अच्छा परिवार था। दो मेरे साले हैं, एक उनमें से उस समय BEL कंपनी है उसमें जॉब करते थे, तो बहुत अच्छा परिवार वो भी था। मेरी दो बेटियां हैं शादी के बाद, एक 85 में जन्म हुआ जुलाई 85 में, एक का दिसंबर 88 में, दोनों बेटियों का विवाह हो चुका है। मेरी बड़ी बेटी का नाम सुरभि है, उसने MBA किया, उसके बाद कुछ समय जॉब भी किया उसने। उनके जो हस्बैंड हैं, क्षितिज नाम है उनका, वो मेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के R&D डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं। उनके पास एक बड़ा बेटा है जिसका नाम स्पर्श है, वो अभी 6ठी क्लास में पढ़ रहा है, और एक बेटी है छोटी जो अभी LKG में है। इस तरीके से वो पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत अच्छा परिवार है। हमारे जो दामाद हैं बड़े वाले क्षितिज जी, उनके पिताजी IAS रहे और फाइनेंस मिनिस्ट्री में उस समय काम किया उन्होंने जब विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार में भूरे सिंह जी एक बहुत बड़े सेक्रेटरी थे, उनके साथ वो जॉइंट सेक्रेटरी के रूप में उन्होंने काम किया है। छोटी बेटी मेरी, उसका नाम शिल्पी है, उसके हस्बैंड भी सिद्धार्थ नाम है उनका, वो SCL में जॉब करते हैं। शिल्पी अभी भी काम कर रही है, एट होम ही वो जॉब काम करती है। उसके पास एक बिटिया है जिसका नाम सायशा है, वो भी 1st class में पढ़ रही है। मेरी वाइफ का सपोर्ट मुझे काफ़ी बड़ी मात्रा में मिला, क्योंकि देखिए मैं लगभग 1972 में सामाजिक जीवन से जुड़ गया। एक संगठन है देश का, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, मैं उससे जुड़ गया था। तो उसमें मेरे काफ़ी कार्यक्रम मेरे ऐसे रहते थे जिसमें मुझे काफ़ी समय घर से बाहर रहना पड़ता था। तो शादी के बाद जो मेरी पत्नी ने सबसे बड़ा सपोर्ट मुझे किया, मेरे बच्चों को ठीक से संभाल लेना और मेरे कामों में सहयोग करना, ये उनका सबसे बड़ा भूमिका रही, जिसके कारण से मुझे उन कामों को करने में सुविधा भी रही और मुझे कोई दिक्कत भी नहीं आई। मैंने 1980 में ये अपना व्यवसाय की शुरुआत की थी और 1981 में मैंने उत्तर प्रदेश बार काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन एज ए एडवोकेट कराया, जिसके बाद मैं निरंतर नोएडा में ही वकालत के क्षेत्र में जुड़ा रहा। आज लगभग 42 वर्ष मुझे इस प्रोफेशन से जुड़े हुए हो गए हैं और इसमें मुझे बहुत सारे जो हमारे उत्तर प्रदेश लेवल के भी संगठन हैं, उत्तर प्रदेश अधिवक्ता संघ, उत्तर प्रदेश के और ज़्यादा सारे संगठन, उन्होंने मुझे कई बार 25 साल पूरे करने के बाद सम्मानित भी किया है। मैंने अपने प्रोफेशन की शुरुआत, एक अपने मित्र हैं हमारे शिव कुमार गोयल जी, दिल्ली लक्ष्मी नगर में उनका ऑफिस है, था उस समय, अब तो नहीं है वहाँ पर, पहले वहाँ ऑफिस था, वहाँ से मैंने एज ए ट्रेनी अपनी शुरुआत की। नोएडा उस समय एक नया ये इंडस्ट्रियल एरिया बस रहा था, तो हमें लगा कि इस एरिया में जो है हमारे लिए स्कोप काफ़ी होगा, तो हमने नोएडा में आकर ही अपनी प्रैक्टिस मेनली शुरुआत की शुरू में। और 1988 में ये हमारा Sector 3 में पहला ऑफिस विधिवत रूप से बना, जो हमने बनाया और वहाँ से चलाया। उसके बाद Sector 9 में भी हमारा ऑफिस रहा काफ़ी दिन, फिर 12 में हमारा ऑफिस रहा। बहुत संघर्ष के दिन थे, गाजियाबाद से यहाँ आने के लिए केवल बस का ही साधन था और कोई साधन नहीं था, और बस भी ऐसी रहती थी कि जो गाजियाबाद से चलकर दादरी तक जाती थी वाया दिल्ली मयूर विहार होकर, एक बस अगर आपकी निकल गई तो फिर आपको लगभग 1 घंटा इंतज़ार करना पड़ता था दूसरी बस के लिए। इतना संघर्ष का समय था, कुछ नहीं था यहाँ पर, चाय पीने के लिए भी आपको जगह तलाशनी पड़ती थी नोएडा में उस समय। मेरे क्लाइंट काफ़ी बड़े स्तर के रहे, मैंने ज़्यादातर सेल्स टैक्स, VAT, इनकम टैक्स, GST, इनमें मैंने मुख्य रूप से काम किया, और ट्रिब्यूनल लेवल तक। ट्रिब्यूनल एक ऐसा लेवल है जो लगभग इक्विवेलेंट हाई कोर्ट होता है, वहाँ तक के केस मैंने, 2nd appeal तक के केस मैंने टैकल किए हैं, देखे हैं, और काफ़ी बड़ी मात्रा में नोएडा के जो क्लाइंटेज हैं वो मेरे पास रहे हैं। लास्ट विधिवत ऑफिस मेरा Sector 10 में रहा, उसके बाद फिर ऐसी प्रैक्टिस का सिलसिला हो गया कि भाई ज़्यादा ऑफिस की ज़रूरत नहीं पड़ती थी,
घर से ही हम काम कर सकते थे, तो अब आज की तारीख में मेरा ऑफिस घर से चल रहा है। जीएसटी आने के बाद सबसे बड़ा जो चेंज हुआ है कि आज की तारीख में, जैसे पहले हमें बहुत सारे कामों के लिए डिपार्टमेंट जाना पड़ता था, लेकिन अब डिपार्टमेंट जाने का काम जो है वो कम हो गया। कंप्यूटर पर ही आपके सारे ऑपरेशन, सारे काम ये ज़्यादातर होते हैं जीएसटी में, जो परिवर्तन हुआ है। लेकिन वो दिन जो थे उनमें भागा दौड़ी ज़्यादा थी, अब जो है ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ शांत हो गया है, इस तरीके का माहौल रहता है। क्योंकि डिपार्टमेंट जाते थे तो 10 लोगों से मिलना जुलना होता था, ऑफिसर्स से भी एक हमारा बाउंड अप रहता था, मुलाकात रहती थी, सब रहता था। लेकिन अब आज की तारीख में थोड़ा काम बंद गया है, सारे दिन आप कंप्यूटर पर ही लगे रहो। अगर व्यापारी के रूप में देखें, जो व्यापार करते हैं, तो उनके लिए तो ये सुविधाजनक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चीज़ों से उन्हें छुटकारा मिल गया। जैसे पहले उन्हें बिक्री के लिए बहुत सारे फॉर्म लेने पड़ते थे, फॉर्म होते थे, सी होता था, 3B होता था, H होता था, अब वो सब ख़त्म हो गए, उससे उन्हें छुटकारा मिल गया। तो व्यापारियों के लिए तो काफ़ी फ़ायदेमंद हुआ है, जो हमें दिख भी रहा है कि गवर्नमेंट का GST हर महीने जब से शुरू हुआ है उसका कलेक्शन जब भी आता है तो वो बढ़ता हुआ ही नज़र आता है। लेकिन बींग ए एडवोकेट, इसमें काफ़ी समस्याएं आई हैं और बहुत सारे लोगों के काम ख़त्म भी हो गए, बहुत सारे लोगों के काम कम भी हो गए, इस तरीके की भी समस्याएं आई हैं। मैं कट्टर धार्मिक हूँ, अपने धर्म के प्रति पूरा समर्पित हूँ और सनातन धर्म में भगवान ने मुझे जन्म दिया है, तो मैं ये मानता हूँ कि मेरे कई कई जन्मों के ये अच्छे संस्कार होंगे जो भारत भूमि में हिंदू होकर, सनातन होकर मुझे जन्म भगवान ने दिया है, ये ऐसा मेरा मानना है। और धार्मिक कर्मों में मैं बढ़ चढ़कर भाग भी लेता हूँ, उन्हें बढ़ाता भी हूँ। सन 1972, मैं बिल्कुल साधारण एक बालक था जो अपने गली मोहल्ले के वातावरण में, बिल्कुल हमारा गली मोहल्ले का वातावरण इतना विषाक्त था कि छोटे छोटे बच्चे भी सिगरेट पीते थे। दुनिया भर के व्यसन की आदत बचपन में ही पड़ जाती थी। लेकिन 1972 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम के संगठन से मैं जब जुड़ा तो मेरे पूरे जीवन का परिवर्तन हो गया और मेरा जीवन आज जो भी दिखता है वो उस संगठन से जुड़ने के कारण ही दिखता है। नहीं तो कहीं मैं भी हो सकता है कि उसी व्यसनों के चक्कर में पड़कर कहीं मेरा भी जीवन ध्वस्त हो गया होता। जीवन क्या है ये तो थोड़ा बतलाना आसान नहीं है, इसके लिए तो बहुत लंबा बोलना पड़ेगा। लेकिन अगर आप देखें तो जीवन मानव सेवा है। भगवान ने अगर हमें मनुष्य बनाकर भेजा है तो जो भी मनुष्य हैं या जो पशु हैं, पक्षी हैं, उन सबको हम किसी ना किसी रूप में अगर हम उनकी सेवा कर सकें, कहीं उनके साथ हम अपना अच्छा बन सकें उनके लिए, तो मेरे को लगता है ये जीवन हमारा सार्थक है। लोगों को मैं अब धार्मिक उपदेशों के माध्यम से उनके जीवन को परिवर्तित करना चाहता हूँ। जो भगवान ने इस पूरे, मेरी अब आयु जो है लगभग 66 वर्ष की होने जा रही है, इस 66 वर्ष में भगवान ने बहुत सारे सद्गुरुओं से मिलने का, बहुत सारे महापुरुषों से मिलने का मुझे अवसर दिया है। उनसे जो कुछ सीखा है वो समाज के कल्याण के लिए मैं कहीं ना कहीं उपयोगी कर सकूं। और दूसरा मेरा ध्येय है, जो हमारी गौ माता की आज दुर्दशा है पूरे देश में, जो कभी कृष्ण को बहुत प्यारी रही, कृष्ण ने अपना नाम भी गोपाल रखवाया उसके कारण से, उस गऊ के लिए कुछ काम कर सकें, उसकी स्थिति को संभालने में कोई सहयोग कर सकें, ये जीवन के दो उद्देश्य हैं। किसी भी सफलता को प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको साथ भी मिलेगा समाज का और निश्चित रूप से सफलता भी मिलेगी। किसी एक व्यक्ति को कहना तो ठीक नहीं होगा, मेरी पत्नी का भी सहयोग रहा, मेरे भाइयों का भी सहयोग रहा,
मेरे बच्चों का भी सहयोग रहा और समाज के जिन जिन लोगों से मैं जुड़ा उन समाज के मेरे मित्रों का भी सहयोग रहा। उन मित्रों ने भी मुझे भरपूर सहयोग किया। मुझे भगवान ने बहुत सारे सामाजिक संगठनों से जोड़ने का मौका दिया। जैसे मैंने आपको बताया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये मेरा मूल संगठन है जिससे मैं जुड़ा हुआ हूँ 1972 से अभी तक। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से मैं जुड़ा रहा, बहुत लंबे समय तक जुड़ा रहा। राजनीतिक क्षेत्र में मैं भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़ा रहा, उसके युवा मोर्चे का मैं गाजियाबाद जिले का बहुत प्रारंभिक काल में अध्यक्ष रहा। नोएडा में जब भारतीय जनता पार्टी का प्रारंभ बिल्कुल हुआ तो मैं यहाँ संगठन मंत्री रहा और नोएडा में संगठन को खड़ा किया। उसके बाद अग्रवाल मित्र मंडल नाम की एक संस्था नोएडा में हम लोगों ने अग्रवाल समाज की खड़ी की 1986 में, जिसका मैं प्रारंभिक सदस्य भी हूँ, बनाने वाला संस्थापक सदस्य भी हूँ। और हम लोगों ने जब काम को आगे बढ़ाया तो आज ये परिणाम है उसका कि नोएडा में एकमात्र धर्मशाला जहाँ आकर कोई भी व्यक्ति ठहर भी सकता है, विवाह आदि भी कर सकता है, वो आज इस्कॉन मंदिर के बिल्कुल जुड़ी हुई बहुत अच्छे रूप में चल रही है। अग्रवाल मित्र मंडल विभिन्न रूप में काम करता है, एक दूसरे को समाज में मिलाने का काम। ये विभिन्न उत्सवों को, फंक्शनों को मनाकर, जैसे हरियाली तीज, होली, दीपावली, अग्रसेन जयंती, इनके माध्यम से समाज के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को, जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, व्यापारी हैं, इन सब के परिवारों को आपस में मिलन कराकर इस तरीके का एक माहौल बनाता है जिसमें एक पारिवारिक माहौल बने। दूसरे, जैसे आपने कहा, विवाह शादियों में आज एक समस्या आने लगी है, दहेज। तो उसमें अगर हमारे पास चॉइस हैं तो वो समस्या से हम थोड़ा सा बच सकते हैं। जैसे लड़की वाले के पास 10 लड़के मान लो हैं तो वो भी काम हम लोग करते हैं परिचय सम्मेलनों के माध्यम से, एक दूसरे के बतलाकर कि भाई हम किस तरीके से आगे उन फील्ड में जा सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे सामाजिक काम हैं, जैसे धर्मशाला का ही मैंने बताया। और धर्मशाला में हमारे 2 सेंटर चल रहे हैं, एक डेंट का चल रहा है, डेंटल का, जिसमें 20 रुपये केवल हम लेते हैं और एक्सरे तक मशीन वहाँ पर लगी हुई है डेंटल की, जो ITS ग्रेटर नोएडा के साथ मिलकर चलाया जा रहा है। और बहुत ही सस्ते दाम पर आज दांत के लिए, दांत का देखभाल और दांत के इलाज ये बहुत ही सस्ते दर पर हो रहे हैं वहाँ पर। दूसरा, फिजियोथेरेपी का हम सेंटर चला रहे हैं वहाँ पर। तो ऐसे कुछ हमारे जो समाज के लिए हित में काम है वो भी हम कर रहे हैं उसके माध्यम से। भगवान ने मुझे बहुत अच्छा अवसर दिया है, 4 धाम 7 पुरी 12 ज्योतिर्लिंग ये भगवान ने मुझे 2-2, 3-3 बार कराए। चारों धाम मैं सहपत्नीक 3-3 बार जा चुका हूँ। श्री रामेश्वरम मेरा 3 बार जाना हुआ है, श्री बद्रीनाथ जी मैं 3 बार जा चुका हूँ, श्री द्वारका जी मैं 4 बार जा चुका हूँ और जगन्नाथपुरी 3 बार जा चुका हूँ। ऐसे ही जो 7 पुरियाँ हैं, अयोध्या, माया, मथुरा, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, चैवे, सप्तते, मोक्षदायिका, ये 7 पुरियों में मेरा लगभग 10-10, 5-5 बार कहीं ना कहीं बार जाना हुआ है। 12 ज्योतिर्लिंग करने का मुझे अवसर मिला। विदेश यात्रा में मैं श्रीलंका जा चुका हूँ, सिंगापुर जा चुका हूँ, क्रूज में मैं यात्रा कर चुका हूँ और मलेशिया और थाईलैंड जा चुका हूँ। अब तो पिक्चरें देखनी कम हो गई हैं कुछ समय से, लेकिन बहुत पिक्चरें देखी हैं। मेरी अगर आप पसंदीदा मूवी कहें तो गोपी फिल्म मुझे मतलब बार बार पसंद आती है। उसके गाने, उसके जितने भी सब, गोपी फिल्म मेरी पसंदीदा मूवी है जो मैंने कई बार देखी है। किसी एक आध को कहना तो मुश्किल है, लेकिन मुझे हमेशा धर्मेंद्र और हेमा मालिनी, ये 2 कलाकार हमेशा अच्छे लगे, इन्हें देखना अच्छा लगा। मैंने जैसा बतलाया गोपी का, उसमें ये गाना है, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, वही गाना मेरे दिमाग में ज़्यादातर कहीं ना कहीं घूमता रहता है। भजनों में मैं कहूँ तो भजनों में मेरे दिमाग में हमेशा यही गूंजता है, जो करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। आज की युवा जनरेशन में जो हमारा, उसमें हम भी दोषी हैं, मैं ये नहीं कहूँगा जनरेशन ही दोषी है, केवल धन की लालसा
धन कमाने की लालसा ये जनरेशन के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में पैदा हो रही है। उसके लिए आज हम देख रहे हैं कि वो गलत करने से भी नहीं चूकते। तो युवा जनरेशन को मेरा केवल यही कहना है कि देशभक्ति, अगर आप देश के नहीं रहोगे तो आपको कोई पूछेगा नहीं। इसलिए अपने देश से पहले प्यार करो, धन कमाओ, लेकिन धन कमाने के साथ साथ अपना परिवार, अपने माँ बाप, अपना देश, ये भी ध्यान में रखो। आज हमें ऐसे ऐसे उदाहरण देखने में मिलते हैं कि जो बच्चे बाहर चले गए, माँ बापों ने उन्हें पढ़ाया, वहाँ जाकर वो सेटल्ड हो गए अच्छे तरीके से, और जब माँ बापों की डेथ हुई तो वो उनकी मृत्यु में शामिल होने के लिए भी नहीं आए। ऐसे बच्चों का क्या फ़ायदा है? तो युवा जनरेशन कम से कम धन कमाए, धन कमाना कोई बुराई नहीं है, लेकिन धन का कम से कम अपने लिए, अपने परिवार के लिए, माँ बाप के लिए, देश के लिए भी वो सदुपयोगी हो सकें, ऐसा ज़रूर होना चाहिए।